जस्टिस अमीनुद्दीन नए चीफ जस्टिस, जस्टिस मंसूर से राब्तों की कोशिश। मुल्की सियासत में एक बार फिर आईनी तरमीम का शोर, जुडिशियल पैकेज में क्या लाया जा रहा है? चीफ जस्टिस समेत तमाम जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी होगी या सुप्रीम कोर्ट का नया सरबरा चुना जाएगा? जस्टिस मंसूर अली शाह से किसने राब्ते की कोशिश की? शहबाज शरीफ ने गेम प्लान मुकम्मल कर लिया। शहरी इख्तदार में बड़ी तब्दीली होने वाली है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ कौन बनेगा? कुर्सी पर किसको बिठाया जाएगा? हुकूमत ने कौन सा पत्ता फेंकने की तैयारी कर ली? सहाफी एजाज सैयद ने फिर हलचल मचा दी, कहा कि हुकूमत अब मौजूदा चीफ जस्टिस को शायद मुद्दत में तौसी देने के मूड में नहीं है, लेकिन वो जस्टिस मंसूर को भी लाने के हक में नहीं। एजाज सैयद ने कहा, बड़ों ने मंसूर अली शाह से राब्तों की कोशिश की है, मगर वो अभी तक तो कामयाब नहीं हो सकी है। एजाज सैयद के मुताबिक इस वक्त सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आईनी तरमीम में अगर जजेस की उम्र बढ़ानी भी है तो जजेस की तैनाती अपने हाथ में ले ली जाए, जो अब तक सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर चीफ जस्टिस काजी फैज के बाद सीनियोरिटी लिस्ट में मौजूद 5 जजेस के नाम भेजे जाएंगे। एजाज सैयद ने दावा किया कि इन 5 जजेस में हुकूमत के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन जस्टिस अमीनुद्दीन खान है। एजाज सैयद ने कहा कि हुकूमत तरमीम लाने की पूरी तैयारी में है, और सुनने में आ रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान भी इनको वोट देंगे, जबकि सुन्नी इत्तेहाद के आजाद अरकान भी साथ दे सकते हैं। इसके बाद जस्टिस मंसूर को रोक कर अमीनुद्दीन खान को सुप्रीम कोर्ट का नया सरबरा बनाए जाने का इम्कान है।